12 जून को सिंगापुर में हुई ऐतिहासिक वार्ता के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। एक ओर जहां उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण स्थलों को नष्ट करने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य अभ्यास बंद करने की बात कही है। कल तक एक दूसरे को आंख तरेरने वाले डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन अब शांति की बात कर रहे हैं तो दुनिया राहत महसूस कर रही है। ऐतिहासिक सिंगापुर समझौते में दोनों ने तय किया कि वे अपनी पुरानी जिद को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। इसके तहत अमेरिका ने घोषणा की है कि वह कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य अभ्यास करना बंद कर देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सैन्य अभ्यास बंद कर देंगे, जिससे काफी धन की बचत होगी। वहीं उन्होंने यह भी साफ किया कि उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों को लेकर उस पर प्रतिबंध फिलहाल लगा रहेगा। दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बंद करने की ट्रंप की घोषणा से उत्तर कोरिया की एक बड़ी मांग पूरी हुई है। आपको बता दें कि अमेरिका के करीब 30,000 अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया में तैनात हैं। दोनों देश हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण स्थलों को नष्ट करने का ऐलान किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।